मंगल के थाना नखासा क्षेत्र में इंटर कॉलेज के पास एक बंद बोरे में अज्ञात महिला का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बोरे में महिला का शव नग्न अवस्था में पाया गया। महिला का शव मिलने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक पर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस शव के शिनाख्त में जुट गई। पुलिस इसमें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुख्य आरोपी और उसके जो साथ के लोग हैं, हम लोग लगातार उस पर लगे हुए हैं और हमारी टीम लगी हुई है। 3 राज्यों में हमारी टीम गई हुई है और जो ही बदमाश पकड़े जाएंगे इस संबंध में मीडिया को अवगत करा दिया जाए। परिवार की कुछ मांगे हैं CBI जांच और ये? परिवार ने हमसे कोई किसी तरह की कोई मांग आज तक नहीं रखी है। जिस दिन से घटना हुई, घटना के दिन भी संदीप जी उससे 1.5 घंटे पहले हमसे मिलकर रखे गए थे और आज भी हम परिवार से मिले। लगातार हम परिवार के टच में हैं। आज भी परिवार से मेरी बात हुई। परिवार ने ऐसी कोई मांग मेरे सामने नहीं रखी है और परिवार के सुख दुख के हम साथी हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि परिवार को न्याय दिलाना ही नहीं, परिवार को यह महसूस हो कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से पुलिस विभाग, हमारे DGP साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी लोग कटिबद्ध हैं। पुलिस की जांच की जो थ्योरी है वो लड़की के फैसले पर ही काम कर रही है या किसी और थ्योरी पर भी जो है जांच चल रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस रास्ते पर चल रही है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो परिवार वालों ने बताया, उस रास्ते पर हमारा इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल थाना नखासा क्षेत्र के चंदावली इंटर कॉलेज के पास का है, जहां एक बंद बोरे में महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने की सूचना थाना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और शव को कब्जे में ले लिया। गुप्ता हत्याकांड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आज 11 दिन हो गए हैं, परिजनों की कितनी मांगें पूरी हुई हैं और अभी तक इस केस में कितनी कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से ही परिजनों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और परिजनों के द्वारा कोई ऐसी कोई डिमांड हम लोगों से कुछ नहीं रखी गई है। परिजन ने Day 1 से, जिस समय घटना हुई उसी समय से हम लोगों का, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और जो भी चीज़ें इसमें आती रही, घटना के जो भी कारण थे, उन कारणों से परिजनों को भी और मीडिया को भी, सबको SSP अलीगढ़ के द्वारा तत्काल अवगत कराया गया। मेरे द्वारा भी, जो भी मीडिया के साथी थे, अगले दिन हम लोगों के द्वारा भी जिन्होंने पूछा उनको अवगत कराया गया। आप लोग सब कुछ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगंज कस्बे के रहने वाले संदीप गुप्ता एक उद्यमी ही नहीं थे, एक बड़े समाज सेवी थे और समाज के लोगों का हित करते थे और समाज सेवा के क्रम में जो यह जो घटना भी हुई, जो उनके साथ यह दुखद घटना हुई, उस घटना में भी जो अलीगंज की ही एक लड़की थी जिसका कि दहेज का एक केस चल रहा था और उस केस के सिलसिले में ही समझौता करने के क्रम में जो अलीगढ़ में उसके ससुराल वालों थे, उन लोगों ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें आप लोग सबको मालूम है और अलीगढ़ पुलिस के द्वारा सूचित भी किया गया कि 6 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और अन्य भी जो लोग हैं, पुलिस उस पर लगी हुई है और जो भी IPC की जो धारा हैं और CRPC IPC के अंतर्गत जो कानून है और जो उत्तर प्रदेश में कानून की जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी बदमाश इसमें पकड़े जाएंगे, उन सभी पर जो गैंगस्टर एक्ट है, NSA है, जो भी धाराएं बनती हैं हमारे कानून के अंतर्गत में, वो सभी कार्रवाई उस पर होगी और हम लोगों द्वारा इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर कि लोग हमेशा सोचेंगे कि भाई किस, यदि हम किसी पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई, इस तरह की घटना करेंगे तो उन लोगों के पूरे, जो भी लोग अपराधी ऐसे इन्वॉल्व होंगे, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होने हम लोग करने जा रहे हैं, उसका पूरा हम लोग पता कर रहे हैं, उसके घर वाले जो लोग इन्वॉल्व थे उसकी संपत्ति सीज हो रही है और पूरी सख्त कार्रवाई इन सभी लोगों पर हम लोग करने जा रहे हैं। परिवार को चूंकि मैं पहले से भी जानता था, तो वो उनसे हमारी मुलाकात 4-5 बार पहले भी थी, तो मैं परिवार से, मेरा मिलने का आशय एक दिन पहले मैंने इनसे बात की थी कि किसी दिन आप लोग फ्री रहेंगे तो आने का, तो मैं परिवार के सुख दुख में इनसे बात व्यवहार के लिए आया और जो भी इनकी कोई समस्या, इन्होंने कोई ऐसी समस्या बताई नहीं जो सुरक्षा की समस्या थी।